क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड ईयर। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन में, अनिल की निम्नलिखित सूचनाओं से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए तीनों मकानों से कर योग्य आय ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहला काम हमारे लिए क्या चीज़ क्या कहा है उसने कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेनी है। अब उसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो तीन मकान हैं इसमें, हाउस वन, हाउस सेकंड और हाउस थर्ड। तो तीन मकान है, तो तीन मकान के आधार पर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले इसमें दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट, फिर फेयर रेंट और फिर म्युनिसिपल वैल्यू। इन तीन का नियम फिक्स है, आपको रूल पता है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो अधिक होता है वो उसकी तुलना की जाती है स्टैंडर्ड रेंट से, और उसमें से जो कम होता है वो स्टेप वन कैलकुलेशन कहलाती है, जिसको हम एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू कह सकते हैं। उसके बाद में आपके एनुअल रेंट दे रखे हैं। एनुअल शब्द का मतलब हो गया पूरे साल के लिए। म्युनिसिपल टैक्स फॉर द फुल ईयर, ये आपके 10% एंड 3.75% है। पेड अनपेड बाय द हाउस ओनर, इसमें मालिक ने चुकाया नहीं है, इसमें चुका दिया है, इसमें चुका दिया। तो इसमें नियम यह है कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ये रूल है, तो पहले में घटाना नहीं है क्योंकि पहले में उसने चुकाया नहीं है। उसके बाद में आपके आता है वैकेंसी पीरियड, कितने महीने मकान खाली रहा, 3 मंथ, 2 मंथ और 1 मंथ, 3, 2 एंड 1। अनरियलाइज्ड रेंट, यानी वह किराया जो आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो था 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। उसके बाद में लिखता है लोन टू द कंस्ट्रक्ट हाउस, यानी उसने मकान के बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्ट द हाउस होगा, तो वो कितना है, 8 लाख, 10 लाख और 1 लाख, तीनों मकानों के लिए उसने लोन लिया। लोन ऑब्टेन्ड ऑन, किस तारीख को लिया वो दे रखा है, तो वो 2015 का भी है और 2018 का भी है और 2017 का भी है। हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन, मकान कब बना, तो मकान 17 में बना, यानी शुरू 18 में हुआ था, बना 17 में, तो लगभग 2 साल, ठीक है। आगे अप्रैल से 18 में बना था, जून 19 में कंप्लीट हुआ और 16 में स्टार्ट हुआ, 17 में कंप्लीट हुआ। इसमें यहाँ पे स्टार लगा लो क्योंकि ये 19 में है, जब भी 2019 आए तो हमारे लिए वो सोचने का पॉइंट है, मकान जून में बना है जबकि हमारा गत वर्ष जो शुरू होता है वो अप्रैल से होता है। तो अप्रैल मई 2 महीने मकान नहीं था। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और ये सब जो हैं वो 10 महीने के लिए ही लिए जाएंगे, क्योंकि मकान 10 महीने ही था, 2 महीने मकान नहीं था, ऐसा हमने पीछे क्वेश्चन देखा है। अब इससे आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10% एंड 10%। आपको ये टेबल के फॉर्म में ही सारा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके आधार पर आपको कैलकुलेट करना है तीनों मकानों के लिए कि ये किस तरीके से होगा। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को, आप इसको आराम से क्वेश्चन को रीड कर लें, तो वो भी टेबल फॉर्म में ही चलेगा, है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, इसमें आपके इंटरेस्ट भी आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो आप ये समझ लें क्वेश्चन नंबर 7 से आपके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इस चैप्टर के बिहाफ में। जल्दी से आप क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सॉल्यूशन के लिए 3 कॉलम हो गए। म्युनिसिपल वैल्यू लिखनी है, वो आपके पहले मकान में 60,000, दूसरे में 55,000। ये 55,000 हमें 10/12 करके लेनी है क्योंकि 10 महीने की लेनी है। उसके बाद में 96,000, ये तीन म्युनिसिपल वैल्यू लिखी जिसमें ये पूरे साल की होगी, ये 10 महीने की होगी और ये पूरे साल की होगी। उसके बाद में FR, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट इसमें आप लोगों को लेना है पहले मकान में पूरे साल का कितना है,
55,000, इसमें 10 महीने का, 10 महीने का जब भी चाहे तो जितना अमाउंट है उसको 10/12 करना होता है, कितना 60,000। और फिर उसके बाद में 78,000। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके विच एवर इज हायर को आगे लिखना है, तो हायर आवाज नहीं करेंगे, हायर, तो दोनों में से अधिक कौन है, 60,000, इसमें हायर 60,000 और इसमें हायर 96,000। इन दोनों में से कंपेयर किया, इसमें ये ज़्यादा था, इसमें ये ज़्यादा था, इसमें ये ज़्यादा था, तो जो हायर है म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में उसे आगे लिखना होता है। फिर स्टैंडर्ड रेंट SR, तो SR भी इसी तरीके से लेनी है, पहले की कितनी है 48,000, इसकी 10 महीने की लेनी है 50,000 और इसकी पूरे साल की लेनी है 72,000। अब इसमें अपने को क्या करना है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम है, तो इसमें 48,000 है तो 48,000 लिख दो, इसमें 50,000 लिख दो और इसमें 72,000 लिख दो, जो कम है वो आ जाएगा। इसे आप फर्स्ट पॉइंट कह देंगे, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, ये उसका अनुमानित वैल्यू होती है किसी भी मकान की, एक्चुअल तो रेंट होती है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू स्टेप 1 में आ जाती है, जो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत हमें म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का कॉम्बिनेशन देखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप देख लो, वो है आपके रेंट रिसीवेबल। ये किसी भी प्रश्न में HP में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो जनरली सामान्य स्थिति में ये 12 महीने का ही लिया जाता है, 12 मंथ। ठीक है, इसमें से दो चीज़ें घटाई जाती हैं, एक घटाया जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, यानी स्वयं के रहने का समय, एक तो ये घटाया जाता है, यानी यदि कोई मकान में आप खुद रह रहे हो तो वो टाइम यहाँ पे घटेगा। एक आपके इसमें घटाया है जितने महीने मकान बना नहीं था, ये पीरियड भी घटाया जाता था, पीरियड ऑफ अनबिल्ट टाइम ऑफ अ हाउस। और तीसरी चीज इसमें घटाई जाती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनरियलाइज्ड रेंट, जिसमें ज्यादातर सवालों में हम ये चीज तो सवाल के अंदर लिखेंगे, ये दो चीजें होती है वो सवाल के अंतर्गत लिखनी जरूरी नहीं होती है, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मेट में भी इस चीज को नहीं लिखाया है, ये अपने को ध्यान रखनी है खाली। तो अब इसमें सबसे पहला काम, पहले हाउस को देखो, पहला हाउस आपके बन गया था 2017 में ही, तो इसका मतलब उसमें जितने महीने मकान नहीं बना था वो तो है ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं आएगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड भी वो था नहीं, है ना, केवल अनरियलाइज्ड रेंट था। वो कितने महीने का था, पहले मकान में, फर्स्ट हाउस में 2 मंथ का था, है ना, 2 महीने का था, तो उसको केवल घटाना है, क्लियर।
लेकिन इसमें हम पूरा यहाँ पे लिख देंगे, लेस नीचे कर देंगे तो आ जाएगा पॉइंट। तो सबसे पहले पूरे 12 मंथ का उसका रेंट कितना है वो बताओ। 72,000, 72,000। ओके, यहाँ डैश कर दो, यहाँ डैश कर। आने वाले समय में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये दो चीज़ें हम हो सकता है नहीं लिखें, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको सिखाने के लिए सवाल में, ताकि सारी चीज़ें आ जाएं। ये दो बातें अपने को यहाँ ध्यान रखनी है, वो है। उसके बाद में ये 12 महीने की है, तो जल्दी से ये बताओ कि 1 महीने की रेंट कितनी हुई। तो 72,000 में 12 का भाग देना है तो कितना हो जाएगा, 6,000। तो 2 महीने का कितना हो गया, 12,000 यहाँ पे लेस करना है। समझ में आ गया ये बात। और उसके बाद में जो अमाउंट आएगी वो आपकी स्टेप सेकंड होगी। क्या होगी, स्टेप सेकंड। ओके, कितना होता है, 60,000। ये फर्स्ट हाउस में हो गई। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में आपके 10 महीने मकान था, तो रेंट कितनी दे रखी है, सबसे पहले ये देखो कितना, 90,000 है, वो तो एनुअल है, ठीक है। ओके, इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड है नहीं, डैश कर दिया, ठीक है। जितने महीने मकान बना नहीं था वो यहाँ घटा देंगे 2 महीने का। तो 90,000 बटे 12 इंटू 2 करो, यानी 2 बटे 12 करो, कितना होता है, 90,000 इंटू 2 बटे 12 करो, तो 15,000 यहाँ पे लेस कर देंगे, ठीक है। और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, 3 मंथ है, तो यहाँ पे 3M लिख दो। और 3 महीने का भी इसी तरीके से निकलेगा, 90,000 इंटू 3 बटे 12, 22,500 हो गया। अब ये दोनों घटा दो, बावन हजार पाँच सौ, ये यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसमें मैंने जैसे कहा कि आप चाहें तो 90,000 की जगह पे 75,000 सीधा ही ले सकते हैं, तो वो सीधा ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तो ये सीखा है कि अभी मैं इस प्रश्न में ये लिख रहा हूँ कि ये दो चीज़ें घटाते हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम सवाल करेंगे तो ये दो पॉइंट आप चाहें तो पहले से ही लेस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, यानी उतने महीने का पहले से ही आप लेस करके ले सकते हैं। क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ इससे लिखने से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड घटाना होता है और जितने महीने मकान बना नहीं था वो पीरियड घटाना होता है। तो ये दोनों पॉइंट आगे वाले प्रश्न में हम नहीं लेंगे, सीधा कर देंगे। अब आगे थर्ड पार्ट, उसमें आपके कितना दे रखा है रेंट, 1,08,000। ये भी मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड तो था ही नहीं, मकान पूरे साल बना हुआ था, तो आप देख लो 17 में ही बन गया था, इसका मतलब पूरे साल मकान था। केवल अनरियलाइज रेंट है वो कितनी है, वो आपके कितने महीने की है, तो यहाँ पे 6M लिख दो, तो 6 महीने की रेंट आधी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 54,000। और इसमें से ये घटा देंगे तो कितना जाएगा, 54,000। ये स्टेप सेकंड बच्चों आपकी कैलकुलेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे लिखना है हायर, हायर किस में से, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से जो अधिक है। तो ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है सारा, ये आपका सेकंड पॉइंट है। लिखते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार हम कंपैरिजन उल्टा सीधा कर देते हैं। इन दोनों में से जो अधिक है उसे आगे बोलो क्या होगा, 60,000, 52,000, 200, 500 और 72,000। ये कंपैरिजन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार चलते में हम 54,000 की 1,08,000 से कंपेयर करके नीचे लिख देते हैं, तो ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, लेस वैकेंट पीरियड। रेंट तो कितने कितने महीने मकान खाली रहा, 3, 2 और 1, ये 3 महीने, ये 2 महीने,
और 1 महीने, तो इनकी उतनी उतने महीने की रेंट घटानी है, तो 1 महीने की रेंट के हिसाब से 3 महीने की कितनी हो जाएगी फर्स्ट हाउस में? 18,000, 6,000 रुपये पर मंथ है ना इसमें, 2 महीने की 15,000, और इसमें 1 महीने की 9,000। अब आप लोगों को क्या करना है, अनरियलाइज रेंट भी आ गई, ये घटाने के बाद जो आएगा वो आप लिखें जी ए वी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जी ए वी हो जाएगा। तो वो आपके कितना आता है प्यारे बच्चों, 40, 42,000, फिर 37,500, फिर 63,000। यहाँ तक किस किस को समझ में आया, हाथों पर करें एक बार। वेरी गुड। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेना है, लेस जीएबी के बाद में म्यूनसिपल टैक्स कटाते हैं, तो एमटी म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, जितना ओनर ने पे किया है वही घटाएंगे। तो इन तीनों प्रश्नों में पहले हिस्से में तो वो कहता है अनपेड है, दूसरे में पेड है और तीसरे में पेड है, और उनका परसेंटेज दे रखा था पहले में 10%, दूसरे में 10%, और तीसरे में 3.75%। तो पहले में पेड नहीं किया था तो इसलिए इसको तो घटाएंगे नहीं, यहाँ पे डस कर देंगे। उसके बाद में दूसरे में है तो ये 10% अपने को किसका कैलकुलेट करना है, म्यूनसिपल वैल्यू का। तो म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है देखो इस मकान की, 1 करोड़। उसका एनुअल वैल्यू देखो, म्यूनसिपल वैल्यू हमेशा एनुअल देखेंगे, तो उसका कितना परसेंट कहता है वो, म्यूनसिपल वैल्यू 66,000 क्यों दिखाई दे रहा है मुझे क्वेश्चन में, म्यूनसिपल वैल्यू 66,000 है उसका 10% लेना है 6,600। लापरवाही नहीं करेंगे, क्वेश्चन को पीछे देख होके देख लेना चाहिए एक बार, क्वेश्चन को जितनी बार पीछे लेके देख लोगे उतना समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में 96,000 का लेना है 3.75%, कितना, 3,600। ये भी घटा देंगे तो ये घटाने के बाद में आपके जो कैलकुलेशन आएगी वो आ जाएगी NAV, नेट एनुअल वैल्यू। तो घटाने पर आपके आता है 42,000, 30,900 और 59,400। अब इसके बाद में एनएवी के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा, लेस एसडी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो एनएवी का 30% सीधे सीधे लेना है, गणित निकालो, पहले में 12,600, दूसरे में 9,270, तीसरे में 17,820। गुड। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा। इसको लेस करने के बाद में यहां पे आपके आ जाएगा टैक्सेबल। तो टैक्सेबल निकालने के लिए वर्किंग नोट 1 हो गया अपने लिए, है ना, तो वर्किंग नोट में आ जाओ, वर्किंग नोट 1। इंटरेस्ट ऑन लोन कि कैलकुलेशन में 3 मकान हैं, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले ये देखो कि लोन कब लिया था, डेट ऑफ लोन,
तो पहले मकान की जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2015। दूसरे मकान का लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2018। और तीसरे मकान का लोन आपने लिया था 1 अप्रैल 2016। ओके, यानी सबसे पहले डेट ऑफ लोन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में मकान कब बना था, तो इसमें आप लिखें हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन, तो पहला मकान बना था 1 अप्रैल 2017, दूसरा 1 जून 2019, 1 जनवरी 2017। ये आप लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ था वहीं से उठा के यहाँ पे लिखा है, सही बात है? तो यहाँ तक तो दिमाग लगाना ही नहीं था। अब आपको लिखना है 31 मार्च, जस्ट पहले का। किससे जस्ट पहले का? जिस दिन मकान बना था ना, उससे जस्ट पहले 31 मार्च कौन सा आता है? तो ये भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। मकान अप्रैल 2017 में बना था, तो अप्रैल से जस्ट पहले 31 मार्च होता है 31 मार्च 2017। यही होगा ना, एक दिन पहले से ही। ये जून में बना है ना, जून 2019 में बना था, तो इससे जस्ट पहले 31 मार्च कौन सा है? तो 31 मार्च 2019, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 1 जनवरी 2017 है, तो इससे जस्ट पहले 31 मार्च है 31 मार्च 2016। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डेट्स हमें जानकारी के लिए लिखनी होती है। यहाँ तक होने के बाद में आप एक लाइन कर दो, ये सिर्फ क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन पार्ट था। अब आप लोगों को करना क्या है, जो पहली डेट है डेट ऑफ लोन और ये जो 31 मार्च है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है, इन मंथ्स, महीनों में आपको इसका अंतर देखना है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से कैलकुलेट करके लिख के बताएं कितने मंथ्स आते हैं। तो आपने जो महीने कैलकुलेट करे इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, तो पहले में 24 मंथ्स, इन दोनों के डिफरेंस में दूसरे में 12 मंथ्स, और यहाँ पे ये 16 और ये मार्च, इसमें कोई गैप है ही नहीं, तो लिख देंगे नो गैप। ओके, इसका मतलब हमें पहले और दूसरे मकान में तो गैप पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जबकि तीसरे में गैप पीरियड है नहीं, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। दैट्स ऑल। और ये जो गैप पीरियड होता है, इन दोनों के बीच का जो गैप पीरियड होता है, उसके इंटरेस्ट का 1/5 छूट मिलता है, ठीक है ना? और उसे कैपिटल इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब अपने ये मंथ्स आ गए ना, तो अपने इसके बाद में एक और लाइन कर दो, ये यहाँ से इस तरीके से। अब आप इसके आगे लिखो कैपिटल इंटरेस्ट, यानी अब शुरू होती है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। कैपिटल इंटरेस्ट क्या होता है? मकान बनने से पहले का ब्याज। ओके, और इसकी 1/5 छूट दी जाती है, ये इतना सा नियम है। 1/5 यानी 5 सालों तक केवल छूट मिलेगी, हर साल एक किस्त छूट मिल जाएगी, और 1/5 को आप 20% भी कह सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको लोन अमाउंट देखना है, नेक्स्ट स्टेप पे आता है, कैपिटल इंटरेस्ट लेना है। तो लोन कितना था सबसे पहले वो अमाउंट बताओ, 8 लाख, कोई दिक्कत ही नहीं। इनटू कितना परसेंट से था, तो 8%। इनटू कितने महीने, 24 महीने, तो 24/12, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसका कितना, 1/5, तो ये तो ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है ना। और इसको कितना लेना है, 1/5 लेना है, ये नियम है, रूल है, 1/5 एज अ रूल, 5 किस्तें छूट होती है, तो इंटू 1/5, और इसमें आप लगा दें इंटू 1/5, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे 1/5 के हिसाब से, तो इसका जो ब्याज आएगा वो अमाउंट मुझे बता दो, वो काम की है, तो वो आपके आती है 25,600। हो गया कैपिटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया। पहले ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, उस ड्यूरेशन का 1/5 ब्याज लेना है। इसी तरह से सेकंड हाउस, सेकंड हाउस में लोन बोलना बेटा कितना है, 10 लाख, ब्याज का परसेंटेज 10%, महीने 12/12, यानी 1 साल हो गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/5 से, कितना आएगा, 20,000। इसमें नो गैप है इसलिए कैपिटल इंटरेस्ट निल लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, इट इज़ ऑल अबाउट कैपिटल इंटरेस्ट। ओके, कैपिटल इंटरेस्ट का मतलब होता है वो ब्याज जो मकान बनने से पहले आपने चुकाया। अब बी कैलकुलेशन, रेवेन्यू इंटरेस्ट, तो रेवेन्यू इंटरेस्ट में गत वर्ष का ब्याज होता है, गत वर्ष का मतलब होता है गत वर्ष का ब्याज, यानी 2019 से 2020 इस ड्यूरेशन का ब्याज अपने को लेना है, 19-20 का ब्याज लेना है। तो इसमें बस इतना ही देखना होता है कि कहीं हमने लोन बीच में चुकाया तो नहीं है ना, बस ये इतना सा देखना होता है, समझ में आती है बात। तो लोन हमने चुकाया है नहीं, प्रश्न में ऐसा कहीं लोन पेड के बारे में लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा है इसका मतलब पूरा साल का ब्याज लेना है, तो पूरे साल का लेना है तो 8 लाख इंटू 8%, ये 1 साल का आ जाएगा, कितना होता है, 64,000, ये रहा 64,000। इसी तरह से दूसरे में 10 लाख है, इंटू 10% लेना है, कितना हो जाएगा, 1 लाख। और तीसरा जो है ना, रेवेन्यू इंटरेस्ट तो होगा क्योंकि लोन चुकाया नहीं है, तो लोन कितने का था, 1 लाख इंटू 10%, चिड़ी उड़ नहीं करना है कि निल है तो निल चलेगा। रेवेन्यू इंटरेस्ट 19-20 में लोन चुकाया नहीं ना, तो उसका ब्याज तो होगा, प्री प्री पीरियड है नहीं तो उसको नहीं ले सकते, तो कितना आया ये, 10,000। तो ये 10,000 लिखा। अब आपके टोटल इंटरेस्ट लिखेंगे, कैपिटल इंटरेस्ट और उसका टोटल लेना है, टोटल A+B, तो A और B यानी इन दोनों का जोड़ लगाना है, तो पहले में 89,600, 1,20,000 और 10,000, ये वर्किंग नोट का अपना जो आंसर है आ जाएगा, क्लियर। अब इस अमाउंट को अपने मेन सवाल में इंटरेस्ट कटाना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे, ठीक है। टोटल लगाएं कितना होता है, ये वर्किंग नोट से कितनी कितनी अमाउंट आई बोलना, पहले में 89,600, तो ये दोनों ही घटाने हैं, इसमें माइनस में जाएगा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितना है, 1,20,000, ये भी माइनस में रहेगा, और इसमें 10,000 है क्या, तो ये इंटरेस्ट अपने को यहाँ पे लेने हैं, ये सारी चीज़ें घटाएंगे तो पहली कैलकुलेशन आएगी माइनस का 60,200, ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरे में माइनस का 98,370, ये दूसरा आंसर आ गया, और तीसरे में भी माइनस आता है, नहीं तीसरे में प्लस आता है, कितना, 30,000
31,580, ये आपका थर्ड आंसर प्लस में आया। अब आप लिखेंगे टोटल इनकम, तो टोटल में ये माइनस वाले जो हैं वो एक साथ जोड़ दो, उसमें से प्लस वाला घटा दो, कितना आता है, माइनस में आंसर आएगा। इन दोनों को तो जोड़ना है क्योंकि ये दोनों माइनस क्या है, उसमें से प्लस वाला घटा दो, कितना आता है, एक लाख 26,990। ये भी एक आंसर होगा जो आपको लिखना पड़ेगा, टोटल आंसर, यानी हर मकान का आंसर अलग देना है और टोटल आंसर अलग देना है। अब आप देखें अपने जो क्वेश्चन लिया था ना उसमें ये सारी चीज़ आंसर्स दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ये रहा, यही आंसर आए थे अपने, माइनस का 60,200, माइनस का 98,370 और प्लस का 31,580, और टोटल लॉस आया, देखो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 1,26,990। तो ये सारे आंसर हमारे एक साथ कैलकुलेट हो गए हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, समझ में आता है, ये देखो सेम आंसर सारे हमने लिए हैं। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रुखसाना के उदयपुर में दो मकान हैं जो उनके स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आते हैं, ठीक है, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उदयपुर में ही दो मकान हैं, दोनों में वो स्वयं रहती है। इसके अतिरिक्त उसके अलावा उसका एक मकान जोधपुर में है जो 1 जुलाई 2012 से 2,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ था, यह मकान किराएदार ने 1 जनवरी 2019 को खाली कर दिया, तब से यह मकान किराए पर नहीं दिया जा सका और इसका किराएदार की तलाश में अन्य प्रयोग नहीं हुआ। तीनों मकानों के संबंध में अन्य सूचनाएं इस प्रकार से है। ये डेट एक बार थोड़ा सा गौर करें, 1 जनवरी 2019, यानी हमारा जो गत वर्ष है वो तो 1 अप्रैल 2019 से शुरू होता है, यानी हमारा जो गत वर्ष है उससे पहले ही मकान खाली पड़ा है, इसका मतलब पूरे साल मकान खाली था। तो यदि कोई मकान पूरे वर्ष खाली रहता है तो उसका जीए भी निल होता है। क्या रूल है, यदि कोई मकान पूरे वर्ष खाली रहता है तो उसका जीए भी क्या होता है, निल होता है, ये रूल है इसका, ये हमने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब उसके आगे तीनों मकानों के संबंध में अन्य सूचनाएं वो देता है। सबसे पहले उदयपुर में दो मकान है, तो उदयपुर और दो मकान और एक जोधपुर का मकान है वो ये रहा। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, तो ये तीन तो हो ही गए। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय रुखसाना, यानी उसने खुद ने पे किया है तो वो लेस करना ही है। रिपेयर एक्चुअल चार्जेस, तो रिपेयर वगैरह के लिए कोई छूट नहीं मिलती, आप इसे क्रॉस कर दें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसके लिए भी कोई छूट नहीं मिलती, आप इसे क्रॉस कर दें। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर, जो उसने लोन लिया था इन मकानों के लिए वो कहता है, फॉर लोन टेकन अप टू 31/3/1999, यानी 1999 से पहले का लोन है 40,000, 35,000, ठीक है, और इसमें 20,000, और फॉर लोन टेकन आफ्टर 1/4/1999 फॉर द कंस्ट्रक्शन, वो है आपके 1,65,000, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। यानी कुल मिला के ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, दो मकानों में वो स्वयं रहती है। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि कोई व्यक्ति दो मकानों में रहता है, दो मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उससे एक मकान तो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और एक लेट आउट माना जाएगा, किराए पर दिया हुआ माना जाएगा, डीम्ड लेट आउट बोलते हैं उसको, तो वो कौन सा हो ये हमें तय करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन का पार्ट है कि हमें ये तय करना है कि दोनों में से उसको किस में फायदा है। आगे, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। अब अपने को इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये आपका क्वेश्चन एक बार आप वापस इसको देख लें, फिर इसके बाद में स्टार्ट करते हैं। एनएवी बोथ हाउस ब्रैकेट में लिख दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, एसओ लिख दो, तो
वो आपके लिखेंगे निल। पहला स्टेप, नए नियम के अनुसार नोट कर ले नियम, दो मकान का सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वयं के उपयोग में आते हों, NAV निल होगा। तो ये अपना और नया नियम जो आपके होता है इसके आधार पर चलेगा, इजी हो जाएगा। तो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों का निल लिख दिया, लेस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टोटल कितना है इन दोनों मकानों के लिए? पहले मकान का इंटरेस्ट कितना है? NAV जब निल आ जाता है तो केवल इंटरेस्ट घटाते हैं, पहले मकान में कितना है देखो, फर्स्ट हाउस में 40,000 है ना, और दूसरे में कितना है, और एक नीचे और है 1999 के बाद में, तो 1,65,000 और 1,00,000। देखो फर्स्ट हाउस में आपके दे रखा है 40,000, लिखा है ना 40,000, पर इसकी छूट आपको मैक्सिमम कितनी मिल सकती है, 30,000। तो यहाँ अंदर 30,000 लिख लो, ओके, कोई दिक्कत इसमें? उसी तरह से 1,65,000 का फर्स्ट हाउस का ही एक और है 1,65,000 का, ये 99 के बाद का है, इसमें आपको पूरी छूट मिल जाएगी 1,65,000। ये दोनों फर्स्ट हाउस के हो गए ना, ये हो गया बिफोर 99 और ये हो गया आफ्टर 99। फर्स्ट हाउस हो गया, सेकंड हाउस भी अब सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी हमें आता है, तो उसमें लोन कितना है, 35,000 का, पर वो 1999 से पहले का है, तो 35,000 है बिफोर 99, तो इसमें आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 30,000 बस। तो तीनों का ब्याज जोड़ो कितना है, अंदर की तरफ लिखना, दो लाख 25,000, पर आप अधिकतम छूट मैक्सिमम डिडक्शन जो आप दे सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे वो आप 2,00,000 दे सकते हो, ये भी रूल है, तो इसको लेस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2,00,000। ये आपके इनकम फ्रॉम SO सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हो गई, कोई दिक्कत इसमें? कितना आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या नियम कर दिया, दो अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो दोनों का NAV निल ले लो, एक नियम। NAV निल हो जाता है तो उसके बाद में केवल इंटरेस्ट घटाना होता है, इंटरेस्ट का नियम है कि 1999 से पहले का अगर है तो उसमें अधिकतम 30,000 की छूट मिलेगी, तो पहले मकान में 40,000 था पहले का, तो 30,000 छूट मिला, दूसरे मकान में 35,000 था तो उसमें भी 30,000 का ही छूट मिला, पहले मकान में 1,65,000 बाद का और था इंटरेस्ट तो वो पूरा ही छूट मिल जाएगा, इन सब की टोटल 2,25,000 हुई। तो एक नियम और होता है कि अधिकतम छूट आपके ब्याज की 2,00,000 ही हो सकती है, चॉइस बी जिसको हम बोलते हैं, जो सेक्शन 24B होता है, तो अधिकतम छूट 2,00,000 से ज़्यादा कभी नहीं होगी, ये अपने आगे भी सवालों में आता रहेगा। तो अधिकतम छूट घटा दी तो ये माइनस का 2,00,000 आ गया। ये देखो आपका पहला आंसर दिया हुआ है ना, तो उसके GAV से स्टार्ट करना है, जोधपुर हाउस, वो पूरे साल खाली रहा, पूरे वर्ष खाली रहा, तो जब पूरा वर्ष यदि कोई मकान खाली रहता है तो ऐसी स्थिति में उसका GAV निल होता है। GAV के बाद में लेस MT होता है, म्युनिसिपल टैक्स पेड। तो इस मकान का म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है देख के बताओ, 4,200, इसे घटा देंगे तो घटाने पर ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4,200, और जब म्युनिसिपल टैक्स आ जाता है तो उसके बाद में अपने को लेस करना होता है इंटरेस्ट, SD आएगा नहीं,
क्योंकि एसडी नेगेटिव अमाउंट पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ही घटे आएगा, तो इंटरेस्ट कितना दे रखा है इस मकान के लिए, 20,000। तो 20,000 और घटा दो, तो घटाने पर इसकी इनकम आ जाएगी माइनस का 24,200, ये आपका टैक्सेबल हो गया। अब दोनों ही माइनस में आए तो टोटल लॉस हो गया, लॉस इक्वल टू 2,24,200। जब आप लॉस लिख देते हो तो उसके बाद में माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इतना ही सवाल है, ठीक है प्यारे बच्चों। हो गया ना दो सवाल आराम से, और ये छोटा हो गया क्वेश्चन, नए नियम के अनुसार ये क्या हो गया, छोटा हो गया, वरना यही क्वेश्चन बहुत बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता।